खबर हाथरस से है, जहां अहेरिया समाज ने अपनी मांग को लेकर रोकी रेल। उत्तर प्रदेश रेलवे के न्यू हाथरस रोड स्टेशन पर रेल रोककर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, हाथरस में अहेरिया समाज के द्वारा काफी समय से अधिकारियों और राजनेताओं को ज्ञापन देकर विभिन्न जगह प्रदर्शन कर ये मांग की जा रही है कि उन्हें किसी न किसी श्रेणी में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा किसी भी श्रेणी में शामिल कराने का प्रयास नहीं किया गया। जबकि अहेरिया समाज का कहना है कि कई राज्यों में वह अनुसूचित जाति में आते हैं और उत्तर प्रदेश में उन्हें अनुसूचित से लेकर जनरल किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। आज अपनी मांग को लेकर पूरे प्रदेश के अहेरिया समाज के लोगों के द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के देवली हावड़ा ट्रैक के न्यू हाथरस स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए रेल रोककर पटरियों पर लेट गए। तो वहीं प्रदर्शन को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी समेत सिविल पुलिस भी भारी मात्रा में मौजूद है और समाज के लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम है आपका? नरेश कुमार अहेरिया। ये आज आपने रेलवे ट्रैक रोका हुआ है, दिल्ली हावड़ा रेल, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम 70 साल से वंचित हैं, सरकार की किसी भी लिस्ट में अहेरिया समाज का नाम नहीं है। केवल हमको सरकार से, योगी सरकार से या मोदी जी सरकार से एक ही अनुरोध है कि हमको एक श्रेणी में रखा जाए, जिस श्रेणी से हम निकाले थे। हम एससी से निकाले थे, एससी में ही हमको रखा जाए। वर्तमान की बात करी जाए तो अगर एसडीएम साहब के पास जाते हैं, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे मतलब लिस्ट में जो है अहेरिया जाति है नहीं है, किसी भी श्रेणी में हम उनको मतलब लिखे नहीं देते। अगर हम बोलते हैं कि सामान्य में रख दो, तो सामान्य में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। सामान्य में अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि सामान्य में लिखने के लिए हमारा तहसीलदार तैयार नहीं है। तो जब तक ये आपकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक आप ये ट्रक हम आराम से सोंगे, चाहेगा ट्रेन हमारे ऊपर चढ़ जाए। विधानसभा से लोग आए हुए यहाँ पे, 22 जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 22 जिलों से आए हुए हैं। और जो हमारे साथी हैं, जो हमारा दर्द समझते हैं, अपने समाज का दर्द समझते हैं, वो दिल्ली से भी आए हुए हैं। और केवल हमारी एक ही मांग है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप हमारी खबर पहुंचा दें तो केवल योगी बाबा से एक अनुरोध है कि वो केवल हमारे 5 आदमी लखनऊ में जो इको गार्डन धरना पे बैठे हैं, उनसे योगी जी से 5 आदमी मिलवा दें, बस। और कुछ नहीं, चाहे योगी बाबा जी खुद मने कर दें कि आपका काम नहीं होगा, आप किसी भी श्रेणी में नहीं रखाया हुए, तो भी हम संतुष्ट हैं, मगर उससे पहले हम नहीं हटेंगे जब तक 5 आदमी योगी बाबा जी से नहीं मिलेंगे।